तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की नई अपडेट बताया हूँ सैमसंग गैलेक्सी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अपडेट है गूगल सिस्टम की तरफ से है, मतलब गूगल का जो प्ले सिस्टम अपडेट है ना वो आया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मोबाइल के लिए। क्या ये अपडेट है, कितने MB का अपडेट है और कैसे इसको अपडेट करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करें। चलते दोस्तों आगे, मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ गूगल पे सिस्टम के नए अपडेट के बारे में। उसके लिए आपको यहाँ जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे चले आना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे। यहाँ पर जाने के बाद आपको अपडेट वाले सेक्शन पे चले आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपको रिसेंटली अपडेट में मिल रहा है January 1, 2024 का अपडेट ऑलरेडी है मेरे पास, और अगर अभी मैं चेक करूंगा तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा है, जो कि 9 MB का ये अपडेट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और इस अपडेट से क्या फायदा होने वाला है, इस अपडेट से लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेगा आपको, और आपको मालवेयर या जो भी है वायरसेस होते हैं ना उससे सेव करता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, अपडेट नाउ टू कीप सेव एंड इम्प्रूव डिवाइस स्टेबिलिटी, और कुछ इनहांस परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करना है। डाउनलोड और इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोडिंग हो जाएगा, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डाउनलोड करने के बाद आपको इसको रीस्टार्ट करना है, तब जाके ही ये अपडेट आपके मोबाइल पे अपडेट होगा, ये मतलब अपडेट इंस्टॉल होगा। तो आपको इसको रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद 2 से 4 मिनट्स लेगा और पूरा रीस्टार्ट हो जाएगा। बट ये अपडेट बहुत जरूरी है, आपको अपने मोबाइल पे जरूर करना चाहिए, क्योंकि गूगल के तरफ से ही आपकी सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया जाएगा, डिवाइस की स्टेबिलिटी भी इंप्रूव कर दी जाएगी, और कुछ जो वायरसेस है जो मोबाइल को हार्म करते हैं वो भी आपको नहीं हार्म करेंगे। तो छोटा सा अपडेट है, सिंपल सा रीस्टार्ट होगा और आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। फाइनली ये हो चुका है अपडेट होने के बाद रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के बाद आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको सेटिंग्स पे चले आना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद वापस आपको यहाँ जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जाना है ये अपडेट वाले सेक्शन पे। तो अभी भी आपको वहाँ जनवरी की ही दिख रही है, बट जो भी कुछ बक्सेस होंगे उसके अंदर कुछ लेटेस्ट वाले में उसको वहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने मोबाइल में इसको अपडेट ज़रूर करना चाहिए। और आप अगर आप चेक करेंगे तो अभी आपको अवेलेबल नहीं बताया, क्योंकि आप ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन पे हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा अभी, तो यहाँ पर आपको बता रहा है योर डिवाइस इज ऑलरेडी अपडेटेड, आपने अभी लास्ट अपडेट कब किया है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा है। तो सेम वर्जन पे ही है, बट इसमें कुछ अपडेट चेंजेस हुए हैं, तो आपको इसको अपडेट कर लेना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। थैंक यू।